है गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं कहीं पे कुछ शूट करने, तो गाइस अभी कुछ पता नहीं है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। गाइस चलिए छलांग लगाते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पहुँचेंगे वहीं का वीडियो आपको दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, हमने छलांग लगाया, अभी हम छलांग लगा के यहाँ पे पहुँचे। चलिए तो गाइस अभी हम आ चुके हैं होटल में, पार्क नुमा होटल है यहाँ पे, पार्क भी है, होटल भी, बच्चों के खेलने का एरिया भी है। तो गाइस आइए आपको दिखाते हैं पुराने ज़माने में कैसे बनता था। इसमें थोड़ा कलर वलर कर दिया गया जिससे बहुत ख़राब ना दिखे, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये सब पुरानी लकड़ी है, बांस है, और वो बांस को पतला कर करके चीर के बनाया गया सब आप देख सकते हैं। जंगले भी, खिड़की भी सब बांस की हैं, और कुल मिला के एकदम ओल्डेस्ट है ये, पुराने से पुराना है। बस इसमें थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह कर दी गई है जिससे अच्छा और खूबसूरत दिखे, और वैसे भी गाइस ये खूबसूरत दिखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हम आए हैं पुराने मॉडल की लकड़ी की छत है, और लेकिन यहाँ पे अंदर पार्क है, लेकिन दरवाजा इस पर तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लालटेन भी है, पुराने जमाने में यहाँ भी ये चलता था, अभी तो ये आधुनिक हो गया है पूरी तरह से। तो आप देख सकते हैं लालटेन है, और बांस की पट्टी से बना हुआ है छत पूरा, आप देख सकते हैं। दिवाले पेंट है, और आप देख सकते हैं अंदर भी आपको चल के होटल का नज़ारा दिखाते हैं। आज छुट्टी का दिन है इसलिए यहाँ पे पब्लिकली वीडियो बनाना मना, इसलिए छुट्टी के दिन हम लोग आते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं, ये है यहाँ का एंट्री गेट, अंदर चलते हैं गेट से। तो गाइस आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा खूबसूरत बना है। तो गाइस देखिए हम अंदर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना अब क्या बोले, कितना यूनिक लग रहा है। आप देख सकते हैं लालटेन भी है, पुराने जमाने का होटल भी है, इस पे देखिए बांस के चद्दर भी लगे हैं, बांस भी लगा है पूरी तरह से, एकदम पुराने जमाने का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुर्सियां भी लगी है बैठने के लिए, ऊपर देख सकते हैं खिड़कियां भी हैं, और देख सकते हैं कितना यूनिक है। सिर्फ नए मॉडल की यहाँ पे कुर्सियां ही है, सोफा है पूरी तरह से, आप आराम से बैठे अंदर तक चले जाए, पूरी तरह से फवारा भी है लेकिन चलता नहीं क्योंकि पानी बाहर जाता है इसका, तो यहाँ पे पानी भर जाता है इसलिए नहीं चलता है। तो कमरे लगभग इसमें है समथिंग पूरी होटल को मिला के 300 कमरे हैं। बात सोच सकते हैं कि दिख रहा है छोटा सा, लेकिन कितना बड़ा होटल हो सकता है। यहाँ के रूम भी पहले के जमाने के छोटे छोटे रूम है। तो चलिए आपको ऊपर चढ़ के दिखाते हैं, हम सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, लिफ्ट की कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम ऊपर भी चल के आपको दिखाते हैं। गाइस अभी सोच रहे हैं इस सीढ़ी से जाएं या इस सीढ़ी से जाएं, तो किस सीढ़ी से जाएं, अभी राइट वाली सीढ़ी से चलते हैं। तो आइए गाइस, देखिए गाइस पुरानी धरोहर को यहाँ पे भी सजो कर रखा जाता है, लाल टेन देख सकते हैं, पहले भी इंडिया में भी अभी भी है, लेकिन यहाँ पे अब इसका दौर चला गया, फिर भी ये बहुत अच्छा दिखता है। देखिए आप यूनिक सा, और नया जमाना है तो जाहिर सी बात है सीसीटीवी कैमरे वगैरह सब लगे हैं। फिलहाल हमको क्या लेना, सीसीटीवी कैमरे से आप देख सकते हैं। गाइस एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत मेहनत से और बहुत हिम्मत करके आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें।
और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं, कर नहीं सकते करें गाइस। तो आइए गाइस आपको बाहर थोड़ा ले चलते हैं, ये बालकनी का दरवाजा है, टेरिस जिसे इंग्लिश में टेरिस हिंदी में बालकनी बोलते हैं। तो आइए दिखाते हैं बाहर से थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत यूनिक सब दिख रहा है, तो पहले अंदर का दिखाते हैं उसके बाद फिर आके बाहर दिखाते हैं, इससे ऊपर भी चलते हैं नीचे भी सब आपको दिखाते हैं। तो गाइस हम दूसरे माले पे आ चुके हैं और आप देख सकते हैं सेम नीचे का जैसा है दूसरे माले पे भी, लेकिन एसी लगी है। जैसे कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती तो जाहिर सी बात है एसी लगेगा, क्योंकि ऊपर छत पे तो पंखा लगा नहीं सकते, यहाँ पे बांस के बने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको गलियारे जो हम दिखाते हैं कितना खूबसूरत बना है, पुराने ज़माने का समय का सिर्फ पेंटिंग में वही कहा है, पुराने सामान को अगर अच्छे से सजा के रखो तो बहुत दिन तक चलती है। तो पुराने ज़माने का होटल है, तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ का दिख रहा है। लालटेन तो यहाँ पे लालटेन शौक से रखा जाए, वाईफाई की व्यवस्था फुल है यहाँ पे, चाहे जो आएगा विजिट करेगा। तो गाइस अभी हमने आपको यहाँ का पता नहीं है, सऊदीया के अलहसा में है और ये समथिंग महदूद के करीब में पड़ता है। अभी चल के होटल का नाम और इसका नाम भी बताएंगे हम आपको। तो गाइस हमारे साथ बने रहिए और आगे भी चल रहे हैं, थोड़ा सा कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत कुछ दिखाने की बात बाकी है अभी, तो अभी चलते हैं दिखाते हैं आपको। तो गाइस आइए अब होटल के चारों तरफ आपको घूम के दिखाते हैं। हम ऊपर आ चुके हैं तो यहाँ पे जाके ये खत्म हो चुका है, तो इधर भी कुछ है लेकिन वो नहीं, दूसरे की प्रॉपर्टी उसको हम नहीं दिखा सकते। ये यहाँ का किचन है, उधर भी देखिए बैठने की जगह है, उसे माना है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं, यहाँ पे लोग आते हैं बहुत दूर दूर से, जिससे कि खाना खाने घूमने देखने बहुत अच्छा है। तो हम आपको यहाँ से दिखा रह सकते हैं। तो यहाँ पे दुबई कुवैत बहरीन हर जगह से आदमी आते हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, दुबई की हैं और अबू धाबी की हैं, हर जगह के आदमी यहाँ पे आते हैं, सब यहाँ पे विजिट करते हैं। तो गाइज अगर आप लोगों को विजिट करना है तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पे। और चलिए आपको दिखाते हैं बच्चों का स्विमिंग पूल। तो गाइज आप देख सकते हैं अभी हम आ गए बच्चों का स्विमिंग पूल, ऊपर से हमने होटल के ऊपर से आपको दिखाया, उतना क्लियर नहीं हो रहा होगा शायद। तो आप देख सकते हैं ये बच्चों का स्विमिंग पूल है गाइज, यहाँ बच्चे खेलते खेलते नहाएं सब कुछ करें, कोई मसला नहीं है। और समथिंग यहाँ पे आने का कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कास्ट है। तो आप भी अगर चाहें तो विजिट कर सकते हैं। ये अलहसा में है, सऊदी अरब के अलहसा में, और ये महदूद में है। अभी देखिए सब देश का झंडा लगा है, फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है तो सब देश का झंडा यहाँ पे लगा है, यहाँ पे हर देश का बोर्ड भी लगा है, यहाँ पे हर सीनरी का बोर्ड लगा। तो आइए आपको दिखाते हैं ये नज़ारे अगर आप देखेंगे तो आपका तबीयत खुश हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी सजावट हुई यहाँ पे, ये देखिए ये रात में और खूबसूरत दिखता, लेकिन रात में हमने कहा कुछ दिन में दिखाते हैं, हमेशा रात में नहीं। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है ये सब, कुर्सियाँ लगी हैं बैठने का, आप आके बैठ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, जहाँ दिल करे आपका वहाँ बैठे। आप देख सकते हैं आपको हम सीनरी में दिखाएंगे और तो गाइज आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा यहाँ का दिख रहा है। ये होटल है, यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं खाने के लिए, और ये सब है बैठने की जगह गाइज, देख सकते हैं आप कितना यूनिक और कितना खूबसूरत जगह है। आप देख सकते हैं कुर्सियाँ बहुत अच्छे, और ये देखिए मेरा कैमरा मैन है तो वो बैठ रहा है अभी, बहुत जल्दी थक जाता है गाइज जी। आप देख सकते हैं कितना यूनिक जगह दिख रहा है, आप देख सकते हैं। तो गाइज आप भी विजिट करिए यहाँ पे, अगर आप सऊदीया में हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा यहाँ। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और आपको और कुछ दिखाएंगे अभी। तो गाइस देख सकते हैं, और चलिए और कुछ इससे ज़्यादा थोड़ा सा यूनिक आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तो आप देख सकते हैं, तो गाइस आप देख सकते हैं छोटे छोटे फूल हैं, वाकई दिख रहे हैं छोटे छोटे फूल, आप देख सकते हैं।
अगर बारिश हो रही है तो खुला जगह था, अगर बारिश हो रही तो आप इसके अंदर भी बैठ सकते हैं। आप देख सकते हैं क्या नज़ारे हैं। इसी तरह से कई तरह के यहाँ पे रूम बने हैं, आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं गाइस, मौसम बहुत अच्छा, आज बारिश हो रही थी रात में तो सुबह में भी बदली छाई है, धुंधला सा है, और इस चीज़ें बहुत यूनिक दिख रही हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइस आप ये देख सकते हैं, यह पत्थर भी यहाँ पे डिकोर के बहुत अच्छा किया गया इसका, तो आप देख सकते हैं सामने भी क्या दिख रहे हैं नज़ारे। तो देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये LCD भी लगा है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो यहाँ पे हर जगह व्यवस्था है, LCD लगा है, अच्छी खासी व्यवस्था है, जिससे यहाँ पे सब वर्ल्ड कप का मैच। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो, हमने आपको यूनिक से यूनिक चीज़ दिखाया। तो गाइस बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। और गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो आप खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।